वेलकम टू माय चैनल। ये लग ही नहीं रहा है कि मैं कैथेड्रल हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पैलेस में आ गई हूँ। यू फिट दिस व्यू। एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। एज यू नो, कल रात में बाय ट्रेन मॉस्को से यहाँ पर आई और अभी मॉर्निंग के अराउंड 11 हो गए और बाहर कितना खूबसूरत स्नो लग रहा है। देखो मेरे रूम से स्नो ही है। और अभी मैं हूँ मेरे होस्ट के घर पे और यहाँ पे ये लोग ऐसे हीटर रखते हैं, जैसे ये वाला है ना, वो हीटर है, इसकी वजह से रूम थोड़ा गर्म रहता है। सो या तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाहर जा रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। आपको भी बताती हूँ क्या क्या है वो सब क्या देखने वाला, बट अभी तो मैं स्नो देखी क्रेजी हो चुकी हूँ कि वाओ। लास्ट में जब सिक्किम में थी ना तब मैंने स्नो देखा था, उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ स्नो, और वो भी मैंने बहुत कम देखा था उस टाइम पे भी जब नॉर्थ सिक्किम गई थी ना तभी। बट यहाँ पे तो पूरी बिल्डिंग्स कार्स, नीचे बेंच, सब कुछ स्नो से कवर्ड है। देखो सामने, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे। सो अभी मैं जा रही हूँ कुछ पहले खाना लेने के लिए सुपरमार्केट ऐसा कुछ, और उसके बाद मैं सिटी में जाऊँगी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। ये है कज़ान कैथेड्रल और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी ट्रीज है वो स्नो से कवर्ड है। सबसे पहले मैंने ये देखा ना तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लगा ही नहीं कि ये चर्च है। हेलो, थैंक यू। स्वासी बात, ये सब आपको ऐसे फोटोज के लिए बोलेंगे, अगर आप क्लिक करवाओगे तो उसके बाद वो बोलेंगे कि आप पे करो। बट आप अभी चर्च देखो, ये आप अंदर भी जा सकते हो बिल्डिंग के, जस्ट वाओ। और अभी मैं सामने गई थी जो है ना, वहाँ पे अगर आपको सोवेनियर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो सोवेनियर्स। मैंने तो बहुत सारे ले लिए, बट मेरे से गलती हो गई, मैंने मॉस्को से एक भी सोवेनियर नहीं लिया। यहाँ से लिया ना तो उसमें लिखा है सेंट पीटर्सबर्ग, और मॉस्को वाला एक भी नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर मिलेगा मॉस्को वाला तो मैं ले लूँगी, एक शायद कहीं पर मिल जाए, होप सो। वाओ, सो ह्यूज, सब यहाँ पर लाइन में खड़े विश मांगने के लिए। ये चर्च बहुत ही पुराना है, कज़ान कैथेड्रल, और ये सिटी सेंटर में ही है। और ये अभी रीओपन हुआ है, एक्चुअली सोवियत टाइम में ये बंद था, फॉर ऑलमोस्ट डिकेड बंद रहा था, पर उसके बाद अभी वापस ये रीओपन कर दिया है। और क्या खूबसूरत है ये, इसकी हाइट ही बहुत ही ज़्यादा है, मैं तो उससे देख के ही शौक हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये पिलर्स देखो आप, इतने बड़े हैं, सो ब्यूटीफुल। इसकी डिज़ाइंस देखो आप, ऊपर भी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर भी पेंटिंग्स हैं पूरे सर्कल में। आप कुछ लेना है तो ले सकते हो सोवेनियर टाइप, क्योंकि ये चर्च आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हो। सो एटलीस्ट आप कुछ लोगे तो उसका डोनेशन हो जाएगा। मॉस्को में जैसे बस थी ऐसे यहाँ पर भी है सेंट पीटर्सबर्ग की साइट सीन के लिए, अगर आपको उसमें जाना है एक्सप्लोर करने तो उसमें भी जा सकते हो। सभी लैंग्वेजेस में होती है ये, इंग्लिश, वियतनामीज, टर्कीज, इटली, सब। इतनी ज़्यादा ठंड है फिर भी सबके लिए नॉर्मल ही लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, पर अगर मेरी जैकेट देख सकते हो आप तो स्नोफॉल हो रहा है माइनर सा। ऐसे सभी स्टोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स है, बहुत ही ज़्यादा शॉप्स है, ये ब्रांड वो ब्रांड ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा। उसके अलावा तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, ऐसा लग रहा है कि रशियन लोग ब्रांडेड क्लोथ्स के अलावा कुछ पहनते ही नहीं है, नॉर्मल क्लोथ्स उसमें आता ही नहीं है इनका। सब लोग सिग्नल ओपन होने का वेट कर रहे हैं, और मुझे तो इस तरफ जाना है अभी, आई थिंक मुझे अभी स्ट्रेट ही जाना है, मुझे वहाँ पर जाना है। गोल्डन कलर का आपको टॉम्ब दिख रहा है वहाँ पर, कैफेज अंडरग्राउंड है नीचे, और ये देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है। और अभी मैं सोवेनियर लेने के लिए गई थी, वहाँ पे उनके पास रशिया के थे, सेंट पीटर्सबर्ग के थे, मॉस्को के नहीं थे। मैं मॉस्को से यहाँ पे आ गई, बट वहाँ का सोवेनियर मुझे लेना था, मॉस्को लिखा हुआ ना ऐसा, बट भूल गई मैं अभी। आई डोंट नो अभी मुझे मिलेगा कहीं पे कि नहीं, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर इट, होप सो मुझे मिल जाए। आई थिंक टिकट यहीं से लेनी है। दिस पीपल आर डांसिंग, स्नोफॉल दिख रहा है अभी आपको थोड़ा, आई डोंट नो
दिख रहा होगा कि नहीं, एल्डर्स की 450 है और छोटे बच्चों के आई थिंक 300 है. Inside or inside? Inside का 400. I want to go to the top. All. How much? 750. Okay. अभी मैं 750 पे कर रही हूँ आइजेक कैथेड्रल में अंदर जाने के लिए और उसके टॉप पे जाने के लिए, क्योंकि टॉप से पूरे सिटी का व्यू गजब का दिखता है. सो देखते हैं, अभी सब ने बोला है, दिखता है कि नहीं. वो ऐसी दो टिकट दी है, एक 300 की है और एक 450 की है. सिर्फ आपको टॉप पे जाना है तो 300 है इसकी प्राइस, और अंदर जाना है तो 450 देना होगा. मैं अभी दोनों जा रही हूँ, देखते हैं अभी वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि ले लिया टिकट. पूरा साइड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैथेड्रल आई हैव एवर सीन. और ये कैथेड्रल का नाम है आइजेक कैथेड्रल. बेस्ट है बेस्ट. इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ यूनिक है एकदम. आप देखोगे ना तो एक एक पेंटिंग है और जो एनक्रेविंग की है ना, सब कुछ एकदम ही ज़्यादा यूनिक है. और ये आइजेक कैथेड्रल है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्थोडॉक्स शायरीन है. ये फोर्थ लार्जेस्ट कैथेड्रल है इन द ऑल वर्ल्ड. सो ब्यूटिफुल पेंटिंग्स. बहुत ही साल पुरानी होगी, 1992 में बनाई थी ये पर्सन ने. ये लग ही नहीं रहा है कि मैं कैथेड्रल में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पैलेस में आ गई हूँ, ऐसा भी लग रहा है. और ऊपर जीजस की पेंटिंग है, सब कुछ यहाँ पे एनक्रेविंग किया हुआ है. एक चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, उसका क्राफ्टिंग देखो कैसे किया है. ये कैथेड्रल बनाया था 1858 में और ये 19th सेंचुरी का सबसे यूनिक कैथेड्रल था. इसकी हाइट गेस कर सकते हो क्या होगी? इसकी हाइट है 101.5 मीटर. इतना लंबा है ये. ओह माय गॉड. यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसे पेंटिंग्स रखी है, मोजाइक. सो अभी मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ. यू कैन स्पीक रशियन ऑल्सो, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड. आई स्पीक रशियन बट वी हैव टू लैंग्वेजेस, रशियन एंड बेलारूस. हाउ यू अंडरस्टैंड पीपल? हाउ मेनी पीपल नो इंग्लिश? सम टाइम यूज गूगल ट्रांसलेटर एंड सम टाइम विद द एक्शन. Where is the ticket counter? I think other side. So, अभी हम टॉप पे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और उससे पहले टिकट लेंगे. और मेरा साथ है तानिया. What's तानिया? तानिया is a Hindu name, you know. In India also we have a तानिया name. What's the meaning? I don't know the meaning. Hello. Welcome to my channel. I'm Tanya from Belarus. Nice to meet you. Biggest church. Yes. Did you understand? No. You know. I don't know, but before I came here, I read the history. Fourth biggest church in the world, in the first Orthodox charity. Oh, they are closing the counter. I think. तो वो लड़की थी वो नहीं आ पाई क्योंकि 5:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, और मेरे पास टिकट थी तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ. पर चर्च है वो 5:30 बजे बंद ही हो जाता है, काउंटर सब बंद हो जाता है और सब कुछ बंद हो जाता है. तो ये टॉप व्यू है वो 6 बजे तक ओपन रखते हैं. तो मेरे पास पहले से टिकट थी तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर लिया. ऐसे स्टेयर से ऊपर जाने के लिए और आई थिंक कोई नहीं होगा मेरे अलावा, ऐसा लग रहा है अभी. कितना ऊपर है भाई, कई भाई शायद अभी ये लोगों ने लॉक कर दिया. आई थिंक लुक एट दिस व्यू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा ऐसे पूरा वॉक का ही बना है. अगर आप टॉप पे आओगे ना, पूरे टॉम्ब का है, आप सर्कल लगा सकते हो टॉम्ब में. गजब व्यू है, गजब. बिकॉज ऑफ स्नो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. विदाउट स्नो भी अच्छा लग रहा है, स्नो के साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. अभी और ऊपर जाना तो जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है. I told my friend to wait for me. तो चले देखते हैं, वो वेट कर रही थी कि नहीं मेरा. तो मैं एंट्री गेट है ना वहाँ पे, उसको बोला था वेट करने के लिए. बाहर ना आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर. यहाँ पे ये लोग काउंटर बंद करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब हम वहाँ काउंटर के बाहर खड़े थे, हमारे सामने उसका काउंटर बंद था. हमें बोला था टिकट एक दे दो, नो यू कांट गेट इट. वो मेरा वेट कर रही थी. यू हैव टू वेट फॉर मी. I text you. Did you receive? No, my mom is.
देखो रिवर भी फ्रोजन है, हाफ रिवर में पानी जा रहा है, अभी बह रहा है, और हाफ यहाँ पे आइस है हर जगह पे। ये है सेवियर ऑन द स्पिल्ड ब्लड करके चर्च है यहाँ पर, और ये राइट नेक्स्ट टू द रिवर है जो अभी फुल आइस से कवर्ड है। और यहाँ साइड में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद वो टावर ऐसा कुछ बना रहे होंगे। और अभी 6 PM हुआ है तो ये क्लोज हो चुका है, बट अगर आप अर्ली आओगे तो आप अंदर भी जा सकते हो। मॉर्निंग में यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पे एक बुक शॉप है और यहाँ से आप सोवेनियर्स बाय कर सकते हो, बहुत सारे सोवेनियर्स के ऑप्शन है यहाँ पे। सभी पोस्ट कार्ड्स है, अगर आपको किसी को करना है तो 50 rubles 60 rubles ऐसे ही है प्राइस। और यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, मैग्नेट एंड ऑल, किचन की, सी ऑल द मैग्नेट्स, ये सभी मैग्नेट्स है, ऊपर भी है। और यहाँ पे किचन है सभी, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सोवेनियर्स, 245 आई थिंक ये डबल कार्ड है, आई थिंक बहुत कम पैसे लगे, पहले 49 कट हुए थे, इस बार उससे भी कम कट हुए। तो चले गए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।